गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं जा रही हूँ समर फेस्टिवल में, जो कि बहुत दिनों से सोलन में हो रहा है, बट मुझे पता ही नहीं था। वो तो मुझे मीनाक्षी ने बताया कि तुझे सोलन में रह के यही नहीं पता कि समर फेस्टिवल हो रहा है सोलन में, और आज लास्ट डे है। तो मेरे एक रिलेटिव है जो कि यहीं पे रहते सोलन में, उनको मैंने बोला कि मेरे साथ चलो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे व्लॉग बनाना है। और वैसे भी मैं कहीं घूमने भी नहीं जाती, तो और क्योंकि कोई है ही नहीं जिसको मैं जानती हूँ यहाँ पे, तो वही है। मैंने उनको बोला कि चलते हैं और वो मान गए, एंड हम दोनों जा रहे हैं। और अभी बस थोड़ी देर में मैं निकलूँगी रूम से। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे अपना हेयर स्टाइल ही पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे ही होता है मुझे, जब मैं बहुत दिनों बाद रेडी होती हूँ ना, फिर ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। अभी मैं इतने सारे टॉप चेंज कर चुकी हूँ, ड्रेसेस चेंज कर चुकी हूँ, अब लास्ट में मैंने ये पहना है, अब पता नहीं क्या पता ये भी मैं चेंज कर दूँ। फिलहाल हेयर स्टाइल मुझे वैसे ठीक नहीं लग रहा, बट लेट हो रही हूँ मैं, तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा शायद। तो अभी थोड़ी देर में मैं रूम से निकलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। हाय कर दो, हाय। तो ये है सोलन का समर फेस्टिवल, और आपको भीड़ से पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा शोर था, तो मुझे साउंड बाद में ही ऐड करनी पड़ी है। ये यहाँ पे ना भूत बंगला टाइप था, मतलब इसमें आप टिकट लेके अंदर जाओ और फिर आपको अंदर डराएंगे और अजीब अजीब आवाज़ें सुनाएंगे। मेरा बहुत मन था इसमें जाने का, बट मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे लगा कि रात को मैं बहुत डरूंगी, इसलिए मैं नहीं गई। ओके, तो सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लग रही है यहाँ पे कि यार जानवरों का ऐसे यूज़ किया जा रहा है, मतलब पैसे कमाने के लिए इतना भार उठाते हैं कि बेचारे, मुझे बहुत दया आ रही थी इनको देख के। यहाँ पे चल रही है मॉडलिंग, मतलब यहाँ पर मिस्टर सोलन और मिस सोलन को चुना जाएगा, मतलब बहुत सारे मॉडल्स आए हैं, तो इनमें से कोई दो सेलेक्ट होंगे, मिस सोलन और मिस्टर सोलन। हम मॉडलिंग देख देख के बोर हो चुके थे, फिर हमने सोचा कि थोड़ा घूम लेते हैं, बट यार कुछ खास नहीं था, मतलब
ठीक ठीक ही था, बट मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। मैं काफ़ी सोच के आई थी कि कुछ तो ले ही लूँगी अच्छा अच्छा बट कुछ भी पसंद नहीं आया मुझे यहाँ पे। हाँ महंगी ले रही है, ऐसे तो हम शॉप में ही ले लेंगे। वही तो बात है। बंगले में जाना था। वाओ ये अच्छा लगेगा। अब हमें भूख लग चुकी है तो हम खा रहे हैं मोमोज। कैसे हो आप? पानी रे बहुत बड़ा है। तो फेस्ट से वापस आने के बाद मैंने रेस्ट किया, फिर डिनर किया, फिर मैं अभी व्लॉग एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि व्लॉग का एंड नहीं किया है मैंने, तो मैं कहा व्लॉग का एंड भी कर लूँ। और यार जब मैं एडिटिंग कर रही थी मैं देख रही थी, मतलब जब मैं वहाँ पे भी देख रही थी वो जो सिंगर गाना गा रहे थे तो उनको देख के ऐसा मन कर रहा था कि मैं भी स्टेज पे चढ़ जाऊँ, बस बोल दूँ कि मुझे भी गाने का मौका दो, इतना मन कर रहा था। शायद कोई सिंगर कोई है कोई जो गाता है गाने वाने तो उसको मेरी फीलिंग समझ आएगी, किसी को स्टेज पर गाता हुआ देख के हमारा ऐसा मन करता है कि हम भी जाए स्टेज पर और गाने लग जाए।
मतलब ऐसा होता है, रोकना खुद को मुश्किल हो जाता है एक टाइप से। तो मेरा बहुत मन किया, फिर मैंने अभी सोचा कि यार मेरी ऑडियंस तो आप लोग हो, आप मुझे तब से सपोर्ट करते हो जब से मैं सिंगिंग की वीडियोस अपने यूट्यूब पे डाला करती थी। व्लॉगिंग तो मैंने कुछ टाइम पहले, अभी 1 साल पहले स्टार्ट की है। तो ज़्यादातर जो ऑडियंस है मेरी, मतलब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, वो सिंगिंग की वजह से उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए अभी एक गाना पेश किया जाए, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने टाइम बाद अगर व्लॉग डालूंगी तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बट मेरे लिए 200-300 व्यूज़ भी बहुत हैं, क्योंकि 200-300 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनमें से काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत है। मतलब पहले पहले मैं गिव अप करना चाहती थी कि यार मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे, 500 500 भी कम लगते थे मुझे, क्योंकि बहुत पहले अच्छे व्यूज़ आते थे तो मुझे 500 फिर कम ही लगेंगे। बट फिर मैंने सोचा कि यार 500 लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, 500 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सही है। तो मैं अभी कुछ गाना सुनाती हूँ आपको, बट गिटार कैसे बजाऊँ, इतने बड़े बड़े नेल्स हैं मेरे, तो अभी ये काटने पड़ेंगे। अपने नेल्स का बलिदान दूंगी, फिर आपको गाना सुनाऊंगी। और अगर बलिदान दे दिया और गाना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब तो सोचो इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी मेरी नेल्स बढ़ाने की। बट कभी ना कभी तो काटने ही पड़ेंगे। तो चलो पहले मैं नेल्स काटती हूँ, नेल कटर लाती हूँ। वे यार मम्मी पापा कहते हैं कि रात को नेल्स नहीं काटने चाहिए, बट मैं पहले से बहुत ढीठ हूँ। मुझे बोलते थे इस दिन को बाल नहीं धोते, इस दिन को बाल नहीं काटते, इस वाले दिन को नेल्स नहीं काटते, रात को नेल्स नहीं काटते। मेरे को लगता था यार ऐसे क्यों होता है, मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता। फिर मैंने खुद ही दिमाग लगाया, फिर मैंने सोचा कि देखो रात को नेल्स इसलिए नहीं काटते थे क्योंकि पहले लाइट्स नहीं होती थी ना, दिए जलते थे। तो अगर नेल्स होते हैं हमारे थोड़े शार्प, तो अगर रात को काटेंगे और जैसे आंगन में फेंक दिए तो उस पे छोटे बच्चे का पाँव पड़ गया या कुछ भी, तो कट कुट लग सकते हैं। तो इसलिए शायद, मतलब मैंने अपना ही एक रीज़न निकाला है, तो शायद इसलिए मना करते हैं कि रात को नेल्स नहीं काटते। और अंदर नेल्स नहीं काटते इसका भी यही रीज़न है कि किसी को चुभ वुभ ना जाए तो नहीं काटते। बाकी ये बाल काटने का, हाँ पहले बाल काटना ऐसे ही समझते थे ना, पहले तो सर पे दुपट्टा लेते थे तो बाल काटना तो बहुत बड़ी बात थी, तो इसलिए बोलते थे कि हाँ जी बाल नहीं काटते। और बाल नहीं धोते उसका रीज़न ये हो सकता है कि लोग पानी बचाते थे, तो वो सोचते थे कि सोमवार को बाल नहा लो, फिर बुधवार को नहा लो, फिर मम्मी तो वीरवार शुक्रवार को भी मना करते, शनिवार को मना करते, रविवार को भी मना करते, तो सोचो सिर्फ सोमवार और बुधवार को बाल नहाने को बोलते, तो ऐसा तो नहीं चलता। तो शायद इसीलिए पहले के मम्मी पापा बोलते होंगे कि ताकि पानी की बचत हो, और फिर आज के मम्मी पापा हमें बोलते हैं कि नहीं इससे बुरा होता है। चलो बुरा वगैरह भी होता होगा पता नहीं, बट जो मैं सोचती हूँ मैंने वो आपको बता दिया। अब मैं अपने नेल्स का बलिदान देती हूँ। दर्द पहले से है ज्यादा, खुद से फिर ये किया वादा, खामोश नजरे रहे बेजुबान, अब न पहले सी बातें हैं, बोलू तो लब थर थराते हैं, राज ये दिल का ना हो बयां, हो रहा के असर कोई हम पे नहीं, हम सफर में तो है, हम सफर ही नहीं, दूर चाहत से मैं अपनी चलता गया, खाम खाम बेवजह ख्वाब बुनता रहा, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खाम खाम बेवजह ख्वाब बुनता रहा। थैंक यू सो मच। तो ये था मेरी थकी हारी वॉइस में गाना। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मुझे अब बहुत नींद आ रही है, बट मुझे मैं सोच रही हूँ कि एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर सुबह अपलोड कर दूँगी ये वाला व्लॉग, सुबह नहीं तो शाम को, या फिर परसों, पता नहीं कब करूँगी, पर चलो कर ही दूँगी। तो अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।